हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आया हूँ, ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी का नाम है द टाइगर किंग, रिटन बाय कल्कि। कल्कि बेसिकली एक साउथ इंडियन राइटर थे और ये कहानी शायद तमिल राइटर थे, तो शायद तमिल में ये कहानी लिखी गई है और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है। बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं। और टाइगर किंग, ये कहानी किस बारे में, क्लास 12th में इंग्लिश लिटरेचर में सीबीएसई के बोर्ड के जो स्कूल्स हैं जहां एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं, उसमें ये स्टोरी क्लास 12th में पढ़ाई जाती है। तो इसी कहानी को आज हम डिस्कस करेंगे, टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही फेमस और इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है क्या ये, बेसिकली जब उस समय की कहानी है जब ब्रिटिश इंडिया में यहां पर ज्यादातर स्टेट्स या ज्यादातर जगहों पर राजाओं का और महाराजाओं का शासन हुआ करता था। तो उसी में से एक महाराजा की एक कहानी है, किस तरीके से वो अपनी पावर, पुराने समय में जिस तरह से होता था कि जब बहुत ज्यादा अधिक पैसा आदमी के पास होता है, बहुत ज्यादा पावर होती है, तो किस हद तक चीजें कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और उनका जो जो पैशन है या पैशन कहें या जो उनकी सनक होती है, किस तरीके से चीजों को बर्बाद भी कर सकती है और या उसके परिणाम काफी भयंकर हो सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार स्टोरी है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा आपको। काफी लंबी स्टोरी है, फिर भी जितना जल्दी हो सकेगा वीडियो में एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। बिफोर यू रीड, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। ये क्वेश्चन एक राइटर हमारे लिए पूछता है कि जो आम आदमी है उनका वाइल्ड एनिमल्स के प्रति एटीट्यूड क्या होता है। तो कुछ कुल मिलाकर ये कहानी में भी इस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज अ हीरो ऑफ द स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्य विग्रह समहारी महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलाली जंग जंग बहादुर MADACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टर टू द टाइगर किंग। तो ये जो कहानी है, इसमें प्रतिबंधपुरम भारत का कोई स्टेट रहा होगा, इसके महाराजा की ये कहानी है जो इस कहानी के मुख्य मेन कैरेक्टर है, कहानी के ये लीडिंग कैरेक्टर यानी कि कहानी के हीरो भी हैं। और जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको किस तरीके की वो उपाधियां दी जाती थी, कुछ अंग्रेज सरकार के द्वारा भी दी जाती थी और ये कुछ सेल्फ एडॉप्टेड भी होती थी या कुछ लोग भी इनको टाइटल्स इस तरह के दिया करते थे। तो ये जिन महाराजा की कहानी है उनको शॉर्ट में उनका नाम टाइगर किंग भी इस कहानी में रखा गया है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल इवन द थ्रेट टू अ Stuka bomber will not throw me off track, but the Stuka, if it likes, can beat the hasty retreat from my story. तो कह रहा कि देखो ये टाइगर किंग की कहानी है, मैं आपको ये बताने आया हूं डिटेल में कि टाइगर किंग जो महाराजा थे उनके टाइगर किंग बनने की कहानी है, किस तरीके की कहानी है उसके बारे में हम ये बात करेंगे। राइट फ्रॉम द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ दिस इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। अब देखिए, कह रहा है कि शुरुआत से ही मेरे लिए ये बताना बहुत जरूरी है अपने राइटर्स को कि टाइगर किंग का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना ज्यादा है, यानी कि वो टाइगर किंग इस स्टोरी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और जो भी इनके बारे में पढ़ता है वो बिल्कुल जानना चाहेगा कि इस तरह का व्यक्ति जिसका जो करेज है यानी कि साहस है वो बिल्कुल अनकम्पेरेबल साहस उनके अंदर था, उनसे बिल्कुल नेचुरल डिजायर होगी उनके मिलने की, बिल्कुल उनसे मिलना चाहता होगा। कहने का मतलब हर आम आदमी जो भी इनके बारे में पढ़ेगा उसके मन में एक बार इच्छा जरूर होगी कि इस तरीके के अद्भुत साहस वाले व्यक्ति से एक बार फेस टू फेस तो मिला जाए। बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ऐसा होने की संभावना बिल्कुल भी ना के बराबर है। बट देर एज भारत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच द फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। कह रहा है कि देखो, ऐसी जो रीडर्स की जो इच्छा है कि वो टाइगर किंग से एक बार फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, ऐसी इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बात यह है कि जिस तरीके से जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं इस दुनिया में, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो मरने के बाद सभी एक ही जगह पर जाते हैं जिसका नाम है स्वर्ग। तो कहने का मतलब है टाइगर किंग इज नो मोर, टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है, तो इनसे मिलना संभव नहीं है। अब कहानी के अगले हिस्से में यह बताया जा रहा है कि टाइगर किंग
जो डेथ हुई है वो एक बहुत ही नेचुरल तरीके से नहीं हुई, उनके उनके जो मरने की कहानी है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, यानी कि जिस तरीके से राइटर ने उनके मृत्यु जो हुई थी किन वजहों से हुई थी, उसके पीछे क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे, वो राइटर ने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया स्टोरी में। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सून एज ही वॉज बोर्न द एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, राइटर ये कहता है कि उनके जो मृत्यु का कारण है वो तो कहानी के एंड में ही पता चलेगा, लेकिन सबसे मजेदार बात इनके बारे में ये है, इनकी मृत्यु के बारे में ये है, जिस दिन ये पैदा हुए थे यानी कि जैसे ही वो पैदा हुए थे उसी दिन जो एस्ट्रोलॉजर्स है यानी कि जो भविष्यवक्ता है, भविष्य बताने वाले लोग हैं, उन्होंने बता दिया था कि भाई एक दिन टाइगर किंग को मरना ही पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट द बिट देयर लिव्स एंड स्वॉलोड हार्ट। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तो चूंकि राजा के घर में जन्म हुआ था तो कई लोगों को इन्वाइट, कई पंडितों को, कई विद्वानों को इन्वाइट किया गया, जो जन्मपत्री बनाने वाले लोग हैं, भविष्य बताने वाले एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको भी बुलाया गया कि भाई इस बच्चे के बारे जन्म के बारे में आप कुछ भविष्यवाणी कीजिए। तो जो भी लोग वहां पर आए उन्होंने कहा भाई बच्चा तो बहुत बड़ा योद्धा होगा, सभी नायकों का नायक होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस होगा, लेकिन ऐसा कहते कहते वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, अपना ऐसा लगता है कि अपनी बात को पूरा करने का उनमें साहस नहीं था। When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under the star will one day have to meet his death. अब जब उनको बहुत ही फोर्स किया गया कि भाई नहीं ये बात तो आपको पूरी बतानी पड़ेगी कि टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में आप क्या बताना चाहते हो, तो ऐसा उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इस तरह से फोर्स करते हो कि हम आपको सच्चाई बताएं, तो सच ये है कि जो बच्चा इस पवित्र समय में जिसने जन्म लिया है वो उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। At the very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of 10-day-old Jilali Jung Jung Bahadur, O White Prophets. अब ये जिस दिन ये सब बातें हो रही थी उस राजा के दरबार में, इसी दिन उसी जब वो एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कह रहे थे कि ये बच्चा पैदा हुआ है तो उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा, तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक एक आवाज कहीं से सुनाई पड़ी, जब लोगों ने ध्यान दिया तो यह आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि उसी 10 दिन के छोटे बच्चे की आवाज थी जिनके बारे में भविष्यवाणी की जा रही थी। ओ वाइज प्रोफेट, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्ड इन स्टुपिफिकेशन, दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक। अब जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बिल्कुल ऐसा लगा कि सबके एकदम से होंठों पर ताले लग गए और सबको ऐसा लगा कि अचानक से एकदम से क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है। और मिरेकल क्यों था, इसलिए मिरेकल था कि 10 दिन का बच्चा आखिर बोल कैसे सकता है, और ना सिर्फ वो बोल रहा है बल्कि उस एस्ट्रोलॉजर को संबोधित भी करके कह रहा है, ओ वाइज प्रॉफिट कहकर संबोधित कर रहा है। ओ वाइस प्रॉफिट, इट वॉज आई हू स्पोक, कह रहा है अरे आप इधर उधर देखकर आश्चर्यचकित ना हुई है, तो मैं ही बोल रहा था, बच्चा छोटा बच्चा बोलता। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट, इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली। अब इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी कि लोगों को पहले लगा भाई ये बोल कौन रहा है आखिर, जब उन्होंने ध्यान, जब उस बच्चे ने खुद ही बोला कि भाई मैं ही बोल रहा हूं, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, तो लोगों को लगा ये बच्चा इन्फेंट है, 10 दिन सिर्फ पहले पैदा हुए, उसने इतना क्लियरली इतना साफ तरीके से इन शब्दों को बोला था कि एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेडी, जो उनमें जो एस्ट्रोलॉजर्स की जो टीम थी पूरी, उसमें जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपने चश्मे को उतारा और बच्चे की तरफ बड़ा ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. And there would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. Squeaky voice का मतलब जैसे बच्चों की आवाज होती है तो थोड़ा तोतली सी आवाज जो होती है या बहुत साफ नहीं बोल पाते हैं, ऐसा भी होता है कि भाई ये देखो कह रहा है कि नॉर्मल सी बात है, जितने लोगों का जन्म हुआ है उन सभी को किसी न किसी ने मरना है, तो हमें आप इस तरह की प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं, आप तो हमें यह बताइए कि ये जो डेथ के बारे में आप बोल रहे हो, खासकर मेरी डेथ के बारे में, वो कैसे होगी। उस छोटे बच्चे ने उस स्टीफ एस्ट्रोलॉजर से पूछा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अ बेबी बेयरली 10 days old opens its lips and speech.
नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन इनक्रेडिबल. अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उनको इस बात का आश्चर्य नहीं हुआ कि ये छोटा सा बच्चा बोल कैसे रहा है. अब उन्होंने ज्यादा सा आश्चर्य उनको इस बात का हुआ कि ये छोटा सा 10 दिन का बच्चा ना सिर्फ बोल रहा है बल्कि ही इज आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन. वो इतना समझदारी बना प्रश्न कैसे मुझसे पूछ रहा है और ये तो इनक्रेडिबल अविश्वसनीय बात है बिल्कुल. Rather like the bulletins issued by war office than facts, the chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. वो chief astrologer थे अपनी एक उंगली अपनी नाक पर रखे उस बच्चे को देख रहे थे कि भाई ये बिल्कुल अद्भुत सी बात है बिल्कुल incredible thing है कि ये छोटा सा बच्चा इतने intelligent question कैसे पूछ रहा है. तो उन्होंने अपनी नाक से उंगली उठाई और छोटे बच्चे की तरफ देखने लग गए. अब वो क्या कहते हैं, द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. ही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो देखिए हमारे जैसे हिंदू धर्म में हर एक नाम का हर एक पर्टिकुलर समय पर पैदा होने वाले बच्चे का एक सनशाइन होता है जिसको राशि बोलते हैं. कह रहे हैं जिस राशि में पैदा हुए हैं उसका जो स्वामी है वो बुल है और बुल और टाइगर आपस में दुश्मन है तो इसीलिए आपकी जो मृत्यु का कारण होगा वो एक टाइगर होगा. You may think that Crown Prince Jung Jung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl, terrifying words emerged from his lips. अब आपको लगता होगा राइटर पूछ रहा है कि जैसे इस छोटे बच्चे ने जिसको जंग जंग बहादुर नाम दिया गया है कि वो टाइगर वर्ड सुनते एकदम से कांपने लगा होगा गुस्से डर की वजह से थरथराने लगा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. जैसे ही उसने टाइगर वर्ड सुना उसने बहुत गुस्से में और गुर्राहट वाली आवाज में ये बोला कि लेट टाइगर्स बीवियर, दुनिया के सभी टाइगरों को मैं वार्न करता हूं वो मुझसे सावधान रहे. दिस अकाउंट इज बेयरली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम बट The hindsight we may conclude it was based on some truth. कह रहा है देखो ये तो ये जो कहानी अभी मैंने पीछे डिस्क्राइब की तो ऐसा लगता है कि एक तरीके का र्यूमर भी लोग कहते हैं प्रतिबंधपुरम इस तरह की अफवाह उड़ी थी कि ये सब चीजें जो जंग जंग बहादुर उनके बचपन में ये सब चीजें हुई हैं. लेकिन जो अंदर की बात है यानी कि जो कहानी में आगे होता है या जो कहानी में हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ आगे चल के सच्चाई भी नजर आती है. पार्ट सेकेंड, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन एंड सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. अब जिस तरह की उस तरह का एटमोस्फेयर हुआ करता था खासकर जो राजा और महाराजाओं के बच्चे हुआ करते थे वो होते तो भले ही भारतीय थे लेकिन उनका जो रहन सहन था उनके वो चीजें जो यूज करते थे जिस तरह की लैंग्वेज बोलते थे जिस तरह के आसपास के लोगों के साथ रहते थे वो भले ही इंडियन होते थे लेकिन चूंकि अपने बच्चों को वो शायद राजा महाराजा बाकी लोगों से अलग शायद उनकी अलग तरीके की परवरिश करना चाहते हों तो इस तरह के बच्चे जो रॉयल फैमिली में जन्म लेते थे तो उस खासकर उस बच्चे को जिसका नाम जंग जंग बहादुर या टाइगर किंग था उसको जब वो पैदा हुआ तो धीरे धीरे वो बढ़ने लग गया तो उसको लिए एक इंग्लिश काउ पाली गई गाय पाली गई उसका वो दूध पीता था. एक इंग्लिश नैनी मतलब एक मेड थी वो भी अंग्रेज थी भाई उसको सिर्फ जो पढ़ाने आते थे टीचर घर में वो इंग्लिश पढ़ाते थे और वो भी एक अंग्रेज थे और जब उसको जो फिल्म वगैरह भी देखते थे तो वो हमेशा इंग्लिश फिल्म ही देखते थे. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स, ठीक वैसे ही जैसे भारत के जो इंडियन स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट भी हो सकता रहे या अंग्रेजों के कमांड में भी रहे हो तो उनके जो बच्चे हुआ करते थे खासकर जो शाही परिवार में जन्म लेने के वाले बच्चे हुआ करते थे उनकी परवरिश आमतौर पर ऐसी ही होती थी. वेन ही केम एट द एज ऑफ 20 द स्टेट विच हैड बीन विद कोर्ट ऑफ वार्स अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स. तो जब वो बच्चा 20 साल का हो गया तो 20 साल जब तक वो क्योंकि एडल्ट नहीं थे तब तक जो राज्य का शासन था कुछ लोगों के हाथ में था. वो मंत्री भी हो सकते हैं या एडवाइजर्स भी होते हैं राजा के. और जब वो बच्चा बड़ा हो गया 20 साल का हो गया तो राज्य का शासन था उसके हाथ में आ गया. नाउ ही बिकेम द किंग. बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर स्लोली. इट केम टू महाराजाज ईयर. अब चूंकि बच्चा बड़ा हो गया 20 साल का हो गया और जो कहानी की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन दिया था उसके बारे में उस राज्य का हर व्यक्ति जानता था और ये अब 20 साल बाद भी लोग इस घटना को
आज भी डिस्कस करते थे गांव में। तो और उसके बाद ये महाराजा के जब कान में ये बात पहुंची, यानी जब उनको पता चला कि एक एस्ट्रोलॉजर 20 साल पहले आया था, उसने मेरे बारे में ऐसा ऐसा प्रेडिक्शन किया था, तो उनको लगा कि चलिए अब कुछ उसमें से कुछ करना चाहिए। देयर वर इन न्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे हैड टाइगर्स इन देम। द महाराजा न्यू दैट द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन ए टाइगर हंट। अब चूंकि जिस राज्य के वो राजा थे, उस राज्य में बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, और चूंकि जंगल हुआ करते थे, ये उसमें बहुत सारे टाइगर्स भी हुआ करते थे। तो हम जब ये बात सत्य भी है, भारत के जो खासकर अगर हिस्ट्री में अगर 100-150 साल पहले जाएं आप, खासकर जो अंग्रेजों का समय था, उस समय भारत के बहुत बड़े हिस्से में जंगल हुआ करते थे और बहुत सारे टाइगर्स भी उसमें रहा करते थे। लेकिन खासकर ये लोग जिसमें खासकर महाराजा और उनकी फैमिली के लोग आते थे और कुछ अंग्रेज भी हुआ करते थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, टाइगर्स को हंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से टाइगर्स की संख्या एक समय पर बहुत काफी कम हो गई थी। तो ये एक्सप्लेनेशन खुद को दे रहे हैं कि भाई आप सेल्फ डिफेंस में तो आप किसी को भी मार सकते हो, गाय जैसे सीधे जानवर को भी मार सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि टाइगर्स को मारने में किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन किसी को होना चाहिए, तो चलो टाइगर हंट शुरू कर दिया जाए। ताकि उनको एस्ट्रोलॉजर की जो कहानी जब उनको बताई गई, तो उन्होंने सोचा कि चलो टाइगर हंट शुरू ही कर दिया जाए, देखते हैं कि मैं अंत तक कितने टाइगर्स को मार सकता हूं। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, ही सेंट फॉर द स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। जब महाराजा ने अपनी जिंदगी में पहले टाइगर को मार गिराया तो ये बड़ा खुश थे, तो उन्होंने उस टाइगर की डेड बॉडी को उसी एस्ट्रोलॉजर को भिजवाया जिसने सबसे पहले इस भविष्यवाणी की थी कि एक टाइगर ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। What do you say now? He demanded. Your Majesty, you may kill 99 tigers in exactly the same manner, but कह रहा देखिए बात वो नहीं है, मैंने जो कहा था कि आपकी मृत्यु टाइगर की वजह से होगी, तो आप चाहें तो योर मैजेस्टी शब्द राजाओं के सम्मान में यूज किया जाता था, अब आजकल ऐसा शब्द यूज नहीं किया जाता है, कि आप 99 टाइगर्स को तो बिल्कुल जैसे आपने ये टाइगर मारा है वैसे मार सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बट वॉट स्पीक विदाउट फियर, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। कह रहे जो 100वां टाइगर जो आप मारोगे या जिससे आपका मुकाबला होगा, उस टाइगर से बड़ा ही आपको सावधान रहने की जरूरत है। एंड वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर ऑन देम, एंड आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। कह रहा देखो अगर मैंने 100 यानी कि 100वें टाइगर को भी मार दिया तो फिर क्या करोगे। तो बोला कि मेरी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं जिनसे पढ़कर मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैं सब में आग लगा दूंगा, अपनी चोटी को काट दूंगा, अपने बालों को छोटा कर लूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर ऐसा होता है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। इसके बाद तो ऐसा लगा कि टाइगर को मारने का जो सीक्वेंस है वो शायद खत्म कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, तो प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर थे उनके लिए एक तरीके का सेलिब्रेशन टाइम था। सेलिब्रेशन टाइम इसलिए था, उस आगे एक्सप्लेन किया गया है, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा। तब उस टाइगर के लिए सेलिब्रेशन इसलिए हुआ था कि अगले ही दिन महाराजा थे, उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया यानी कि नोटिस जारी कर दिया जनता को कि उनके अलावा कोई भी इस स्टेट में टाइगर को नहीं मारेगा। प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट टाइगर, ऑल इज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड। कह रहा देखो उन्होंने अगले दिन एक शाही ऑर्डर जारी किया कि अगर किसी व्यक्ति ने टाइगर को मारना तो दूर, अगर उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर भी फेंक दिया तो उसकी सारी धन संपत्ति स्टेट के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब राजा ने यह प्रतिज्ञा की मैं अब दुनिया के स्टेट के जितने भी कार्य हैं यानी कि राजसी कार्य जितने भी ऑफिशियल कार्य हैं वो सब मैं पेंडिंग में डालता हूं, यानी कि वो सारे काम मैं तभी करूंगा जब मैं 100वें टाइगर को मार दूंगा, उसके बाद ही कुछ राजा का जो कार्य होता है यानी कि स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं उसमें मैं फिर उसके बाद ही में ही कुछ उसके बारे में सोचूंगा, उससे पहले मैं कोई स्टेट के बारे में कुछ जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व नहीं करूंगा। तो शुरू में तो लगा कि चलो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो राजा तो लगता है कि ऐसा अपना एम्बिशन कर लेगा, राजा भी बड़ा खुश।
Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was Maharaja who won. अब देखिए जो पहला उन्होंने टाइगर मारा, उसके बाद जो टाइगर हंटिंग उन्होंने लार्ज स्केल पर शुरू कर दी और राज्य में ये प्रोक्लेमेशन करवा दिया, डिक्लेरेशन की मेरे अलावा इस राज्य में कोई भी आम व्यक्ति टाइगर को नहीं मारेगा, चाहे वो गेस्ट हो स्टेट का या फिर कोई फॉरनर हो, कोई अंग्रेज हो या ऑफिसर या कोई भी हो। तो ऐसा नहीं है कि उनको टाइगर को मारने में सफलता बड़े आराम से मिल गई होगी, वो जंगल गए होंगे, बंदूक ली और मार दिया सीधा, नहीं। तो राइटर ये बता रहा है कि कई बार ऐसा हुआ कि टाइगर से उनका आमने सामना हो गया, कई बार उनकी उन्हें खाली हाथों से लड़ना पड़ा, बंदूक छूट गई होगी, लेकिन अल्टीमेटली उसमें हुआ क्या कि हर बार जो है महाराजा की ही जीत होती थी, यानी कि जितनी बार वो टाइगर हंटिंग पर गए हमेशा वहां से किसी न किसी टाइगर को मारकर ही लौटे। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। A high-ranking British officer visited Trithivandrapuram. He was very fond of hunting tigers and the fonder of being photographed with tigers he had shot. अब देखिए इसी टाइम पर एक चीज और हो रही थी, हुआ क्या बेसिकली, जैसा कि मैंने बताया ये ब्रिटिश इंडिया के समय की बात है, एक बहुत ही हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर आए जो कि एक बहुत बड़े कहते हैं बाघों के शिकारी भी थे, उनको बड़ा शौक था बाघों का शिकार करने का और उसमें उससे भी ज्यादा शौक इनको इस बात का था कि जब जिस भी टाइगर को मारते थे उसके साथ ही खड़े होकर फोटो छपवाते थे और फोटो अगले दिन न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में छपती थी। So as usual he wished to hunt tigers in Trithivandrapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. If you may go on a boar hunt, you may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt it is impossible. लेकिन महाराजा अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा जब पता चला कि एक ऐसे ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर आए हैं और पर वो परमिशन मांग रहे हैं कि आपके राज्य में वो टाइगर्स का शिकार करना चाहते हैं, तो महाराजा ने स्ट्रेट वे मना कर दिया और कहा कि उनसे कहो कि भाई आप किसी और जानवर की आप शिकार कर लीजिए, आप बोर मतलब जंगली सुअर हो सकता है उसकी जगह आप चूहे का शिकार कर लीजिए, आप उसको मॉस्किटो का शिकार कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइगर हंट मेरे राज्य में संभव नहीं है। The British officer secretary sent word to Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. तो ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी थे, उनको बड़ा बुरा ऑफिसर को बड़ा बुरा लगा लेकिन काफी होशियार व्यक्ति था वो, तो उन्होंने महाराजा के पास एक संदेश भिजवाया उनके महाराजा के दीवान के थ्रू। ये दुराई वर्ड जो अंग्रेज ऑफिसर के लिए यूज हुआ है, कह रहा देखिए ऐसा नहीं है कि वो खुद ही टाइगर को मारना चाहते हैं अपने हाथों से, तो एक काम करते हैं कि टाइगर तो महाराजा चाहे तो वही उसका शिकार कर लें, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, वो खुद शिकार कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस टाइगर को महाराजा मारे उस टाइगर के साथ जो वो फोटो खींची जाएगी वो फोटोज ब्रिटिश ऑफिसर के साथ खींचनी चाहिए, वो अपने हाथ में गन पकड़ा होगा और टाइगर की डेड बॉडी के पास खड़ा होगा। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल एज ही रिलेंटेड नाउ ही वुड डू What would he do if other British officer turned up for tiger hunts? कह रहा कि नहीं भाई ये प्रपोजल मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, कि क्या होगा फिर अगले दिन से और ब्रिटिश ऑफिसर आना शुरू हो जाएंगे, वो भी इस तरह की डिमांड मेरे सामने रखेंगे, भाई मुझे ये आपका प्रपोजल मंजूर बिल्कुल भी नहीं है। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom. अब चूंकि ब्रिटिश शासन था भारत में उस समय और ब्रिटिश ऑफिसर को जिस तरह उन्होंने स्ट्रेट वे मना कर दिया, तो महाराजा को ब्रिटिश ऑफिसर सीधी सी बात उन्होंने आगे जाके इस बात को कंप्लेंट भी किया होगा, तो ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कहीं ये महाराजा की सनक की वजह से महाराजा का जो सिंहासन है वो कहीं अंग्रेज सरकार छीन न ले, उनके हाथ से शासन ही ना चला जाए। The Maharaja and the Diwan held deliberations over the issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Send samples of expensive diamond rings for different designs. अब ये महाराजा और उनके दीवान और जो उनके एडवाइजर्स थे सभी के बीच में एक बहुत गहरी मीटिंग हुई, तो मीटिंग के बाद ये डिस्कस हुआ कि भाई जो ये ब्रिटिश ऑफिसर हैं उनको खुश कैसे किया जाए, उसके लिए क्या किया, तो उन्होंने एक ज्वेलरी की बहुत बड़ी एक ब्रिटिश कंपनी थी उन दोनों कलकत्ता में, तो उसको उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम में लिखकर यह भेजा कि आपके पास जो डायमंड रिंग्स के सबसे अच्छे और सबसे महंगे जो सैंपल्स हैं अलग अलग डिजाइन्स के थोड़े से भेज दीजिए। तब जब टेलीग्राम पहुंचा तो वो चूंकि ब्रिटिश कंपनी थी और कलकत्ता में थी, तो उन्होंने ऑर्डर को पढ़ा होगा, चूंकि ऑफिशियल ऑर्डर था तो उन्होंने 50 रिंग डब्बे में पैक करके भिजवा दी। The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. The king and the minister expected that the Durasani to choose one or two rings and send the rest back within no time at all. The Durasai sent her reply, "Thank you very much for your gifts." अब राजा और उनके
मिनिस्टर ने उन्होंने क्या किया कि वो सारे के सारे रिंग्स 50 के 50 रिंग बड़ी महंगी और बहुत ही एक्सपेंसिव थी उन जमाने में। तो देखिए गोल्ड पहले भी महंगा था और आज भी बहुत महंगा है। तो उन्होंने 50 के 50 सारे सैंपल भेज दिए। तो उनको लगा कि भाई ये एक ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, एक दो रिंग रखेंगे इनकी और बाकी वापस कर देंगे भाई हमें, हम शॉपकीपर को वापस कर देंगे। अब कुछ दिनों बाद उनके पास टेलीग्राम आता है कि वो लिखकर भेजते हैं कि भाई आपके गिफ्ट के लिए बड़ा बड़ा शुक्रिया। इसका मतलब ये था कि हम तो ये अंदाज लगाएंगे कि जितनी रिंग उन्होंने भेजी थी उन्होंने सारी सारी रख ली और उनको ये बोला कि भाई आपने जो गिफ्ट दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन 2 डेज अ बिल ऑफ 3 lakh rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 lakhs rupees ही मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। अब 2-3 दिन बाद उस ज्वेलर के यहां से बिल आया, कितने का है? 3 lakh rupees का। 3 lakh rupees तो आज भी बहुत बड़ी रकम है, उस समय तो मेरे समझ से 3 lakh का आप लगा लीजिए कम से कम 3 करोड़ से भी ज्यादा की रकम होगी अगर। तो महाराजा को लगा चलो भाई कोई बात नहीं, उनको दुख होता है यार ये तो बहुत बेईमान आदमी, इन्होंने बेईमानी कर ली मेरे साथ। फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, 3 lakh rupees गए लेकिन मेरा राज्य तो बच गया क्योंकि मुझे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। महाराजा टाइगर हंट कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 tigers। अब महाराजा की टाइगर हंट वो उन्होंने अपना जो कैंपेन था अपना चालू रखा, 10 साल के अंदर लगभग उन्होंने 70 tigers को मार गिराया। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब धीरे धीरे क्या वो बहुत सारे टाइगर उनके द्वारा मार दिए गए, तो एक बड़ा ही विचित्र सी समस्या आ गई। वो समस्या ये आ गई कि भाई वो और मिशन वहां पर उनका रुक गया। समस्या यह है कि उस उनके क्षेत्र में उनके किंगडम में टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे बहुत कम होने लग गई। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकारी और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। ये देखिए एक सार्केस्टिक तरीके से राइटर ने ये बताने की कोशिश की कि भाई आखिर क्या कारण रहा होगा कि टाइगर्स की संख्या कम हो गई। वो ये तो नहीं कह रहा कि 70 tiger राजा ने मार दिए होंगे, तो बड़े फनी वे में हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि टाइगर्स ने बर्थ कंट्रोल की प्रैक्टिस शुरू कर दी, यानी कि नए बच्चे पैदा ही करने बंद कर दिए, या उन्होंने सुसाइड करने के तरीके सीख लिए, या वो स्टेट से सब भाग गए। उनके मन में यह था कि भाई हम अगर मारे जाएंगे तो हमें राजा के हाथों नहीं मरना, हमें तो केवल ब्रिटिश ऑफिस के हाथ के मरना है। इस वजह से सारे टाइगर उनके राज्य से निकल के भाग गए। One day the Maharaja sent for Diwan Sahib, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? He asked brandishing his gun. अब एक दिन उन्होंने अपने दीवान को बुलाया जो उनके सेक्रेटरी भी होते थे और एडवाइजर भी होते थे। तो उन्होंने बोला कि दीवान साहब एक बात बताइए, मैं अपनी लाइफ में अभी तक 70 tiger मार चुका हूं, 10 साल में 30 अभी भी रह गए। तो और जब ऐसा कहते हुए बंदूक जिस बंदूक से उन्होंने टाइगर के शिकार किए थे बंदूक को वो हवा में लहराते हुए दीवान साहब को दिखाते हैं। Shuddering at the sight of gun, the Diwan cried, Your Majesty, I am not a tiger. अब जैसे दीवान साहब ने राजा साहब के हाथ में बंदूक दी थी चमकती हुई और उनको डर एकदम से, कह रहे महाराजा मुझे माफ करो मैं टाइगर नहीं हूं। Which idiot would call you a tiger? No. I am not a gun. You are neither tiger nor gun. Diwan Sahib, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. कह रहे तुम तो पागल हो भाई, मैं तुमको इसलिए नहीं बुलाया कि तुम डर क्यों रहे भाई। कभी वो बोलता कि मुझे माफ कर दो भाई मैं टाइगर नहीं, मुझे मत मारना। कह रहे देखो ऐसी बात नहीं है दीवान साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपसे एक एडवाइस चाहता हूं। मेरे मन में अब ऐसा विचार आ रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अ दीवान बिगेन टू बैबल मोर। बैबल का मतलब होता है तुतलाना। अब दीवान साहब ने भाई वो पागल हो गए यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं। योर मजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी, इफ आई मैरी यू। कह रहा है दीवान साहब मेरी तो 2 already पत्नी है, अब मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। दीवान राजा साहब का गुस्सा एकदम साथ में आंसू में, कह रहा तुम कैसे बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। कह रहा कि एकदम क्या बेवकूफी वाले बातें कर, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे तो टाइगर की जरूरत है। अब उनको क्या लगा दीवान साहब को ये टाइगर से शादी करना चाहते। योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू सोल्ड एंड इफ लाइक मैरी अ गन, अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर स्टेट, इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल। कह रहा महाराजा एक बात सोचिए, आपके पूर्वजों ने तलवारों से शादी की और आपका मन करे तो आप इस अपने गन से शादी कर लीजिए, हमारे राज्य में तो टाइगर किंग ये काफी है, तो आप किसी एक टाइगर से शादी करके टाइगर क्वीन को हमारे राज्य में क्यों लाना चाहते हो। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग्स, फर्स्ट यू
may draw up statistics of tiger population in a different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of the state with a large tiger population. कह रहा देखो बेवकूफों वाली बातें ना करो, मुझे मैं ना तो किसी टाइगर से शादी करने जा रहा हूं ना ही किसी गन से, मुझे बेसिकली अपने ही जो हायर रैंक के जो लोग हैं इस समाज में उनमें से मुझे किसी लड़की से शादी करनी है। तो आप सबसे पहले काम ये करो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे आसपास के राज्य के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर आप एक सर्वे कीजिए और पता कीजिए कि किस राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है, और उसके बाद उस जिस राज्य में आपकी टाइगर की पॉपुलेशन ज्यादा लगती है उस राज्य में जाकर पता कीजिए कि उस वहां पर कोई रॉयल फैमिली है जिसमें कोई लड़की है जिससे मैं वहां पर शादी कर सकता हूं। यानी कि दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो टाइगर की पॉपुलेशन उस जगह पर काफी सारी हो और साथ साथ कोई एक एलिजिबल लड़की हो जिससे मैं रॉयल फैमिली की लड़की होनी चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूं। The Diwan followed his orders. He found the right girl from the state which possessed a large number of tigers. Diwan साहब ने कुछ दिन के सर्वे के बाद वो लड़की और वो स्टेट ढूंढ लिया जहां पर बहुत बड़ी संख्या में टाइगर थे और एक सूटेबल एक सुंदर सी लड़की भी उनको उस राज्य में मिल गई। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन अडोर्न ऑन द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम पैलेस, अब राजा जो साहब थे उन्होंने अब उस लड़की से शादी हो गई। अब शादी हो गई तो एक नए किंगडम के दामाद बन गए भाई, तो जब भी अपने ससुराल जाते थे मिलने के लिए तो कम से कम 5-6 टाइगर को हर बार मार के आते थे, और ऐसे कर करके उन्होंने अपने जो टाइगर की संख्या थी वो 99 तक पहुंचा थी। और उसका प्रूफ क्या था कि सभी 99 टाइगर्स की जो स्किन थी उनके जो प्रतिबंधपुरम में उनका पैलेस यानी कि जो राजमहल था उसमें रिसेप्शन में दीवारों पर लगी, जैसे आमतौर पर अपने फिल्मों में पुरानी फिल्मों में या YouTube वीडियोस पर या Google में देखा होगा किस तरह से ये टाइगर्स के स्किन को अपनी दीवारों पर लगाया करते थे फॉर डेकोरेशन। अब कहानी चलती है आगे की तरफ। महाराजा एंग्जाइटी रीच्ड फीवर पिच व्हेन ही रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव इट्स टैली ऑफ 100। ही हैड दिस 1 थॉट ड्यूरिंग द डे दैट ही हैड सेम ड्रीम एट नाइट। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन dry even in his father's in-law kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere. Yet only one more was needed. If he could kill just one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. अब महाराजा ने जब 99 टाइगर ऑलरेडी मार लिए थे अब उनकी जो चिंता परेशानी थी वो अपने बिल्कुल चरम सीमा पर थी। क्यों थी? क्योंकि उनको जो टारगेट था 100 टाइगर मारने का उससे टारगेट से सिर्फ एक कदम पीछे थे। तो अब ये विचार जो उनके दिमाग में था दिन रात उनको परेशान किए रहता था, दिन रात एक ही चीज सोचते रहते थे, एक ही सपना देखते रहते थे। अब चूंकि वो इतने टाइगर मार चुके थे तो उनके राज्य में और उनके जो ससुराल वाले राज्य था उसमें भी टाइगरों की संख्या लगभग नाक के बराबर हो गई, और ऐसा लगता था कि इस राज्य से दोनों राज्यों से टाइगर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या कहीं छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि टारगेट तो उनका 100 मारने का था, एक उनको और टाइगर की जरूरत थी। और चूंकि ऐसा था कि वो एस्ट्रोलॉजर जो कह के गया था उसकी बात भी वो याद करते थे, तो उनका एक कह रहा कि सिर्फ एक टाइगर और मैं मार लूं उसके बाद मेरे जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई डर नहीं रहेगा और मैं टाइगर हंटिंग यानी कि टाइगर शिकार को करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। अब कह रहा देखो कि जो 100 टाइगर था उसको मारने से पहले या मारते समय बड़ा ही राजा को सावधान रहना था, क्योंकि उसको बार बार उन चीफ एस्ट्रोलॉजर की चेतावनी याद आ रही थी जिसने कहा था कि भाई 99 टाइगर्स तो आप बड़े आराम से मार लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 100 टाइगर यानी 100वां टाइगर वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ट्रू एनफ द टाइगर वॉज सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर मिल्क देन लायर टाइप टाइगर। वो कह रहे हैं वो बात ठीक है, एस्ट्रोलॉजर का कहना भी ठीक है, जो टाइगर है बड़ा ही खतरनाक जंगली जानवर है और इससे सावधान रहने की देखो जरूरत तो है ही, लेकिन बात यह है कि जब 99 टाइगर मैंने मार लिए और मैं अपने टारगेट से सिर्फ एक कदम पीछे हूं तो उसको मारना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उन दिनों ऐसा लगता था कि टाइगर मिल्क मिलना तो बड़ा आसान हो गया था, लेकिन जिंदा टाइगर पकड़ना उस राज्य में बड़ा मुश्किल हो गया था। यह भी एक तरीके का हम कह सकते हैं कि सार्केस्टिक वे में इसको समझाने की कोशिश की गई है।
Thus the Maharaja was sunk in gloom. But soon came happy news which dispelled that gloom. In his own state, she began to disappear frequently from a hillside village. अब महाराजा बड़े ही कहते हैं कि निराश हो गए बिल्कुल. तभी उनको एक बहुत अच्छी सी खबर किसी ने ला के दी, जिसकी वजह से उनका जो सारा दुख दर्द था वो दूर हो गया. अब हुआ क्या था, किसी ने आके खबर दी महाराज को कि ये जो पहाड़ साइड वाले जो गांव हैं उसमें जो भेड़ बकरियां वो धीरे धीरे एकदम से गायब हो रही हैं और बहुत जल्दी जल्दी गायब हो रही हैं. तो महाराजा को लगा ये भेड़ बकरियों को जो गायब करने का काम है तो वो कौन कर सकता है, तो वो कोई टाइगर ही कर सकता है, कोई जंगली जानवर ही कर सकता है. इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खदर मियां साहेब और वीरा स्वामी नायकर बोथ फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वॉलो शीप द होल. कह रहा कि पहले सबसे पहले इस बात को इन्वेस्टिगेट किया गया कि जिस तरह से ये भेड़ और बकरियां गायब हो रही कि कहीं किसी आदमी का काम नहीं तो नहीं है, क्योंकि उनके आसपास के जो स्टेट में थे वहां पर दो बड़े ही फेमस लोग थे जो अपने खाने के लिए उनकी बहुत एक्सट्रीम डाइट के लिए फेमस थे. एक खादर मियां साहब थे तो वीरा स्वामी नायकर थे. वो इस बात के लिए फेमस थे कि वो पूरा का पूरा शीप यानी पूरा का पूरा भेड़ खा सकते थे, उनकी इतनी ज्यादा डाइट थी. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क. जब वहां से पता चल गया भाई इन दोनों का काम नहीं है, ये लोग टाइगर ये शीप भेड़ों को ये नहीं ये चुरा के नहीं खा रहे. श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क एंड ऑल द विलेजर रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा. द महाराजा अनाउंस अ 30-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट ऑफ ऑन ए हंट एट वंस. अब महाराजा को जब ये खबर मिली तो बड़ा बहुत खुश हो गए. तो उन्होंने जिस गांव से ये खबर आई थी तो उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया, ये घोषणा की कि इस राज्य को अगले 3 साल तक का मैं टैक्स माफ करता हूं. पूरे जो उस गांव के लोग थे सभी को टाइगर हंट वाला टास्क सौंप दिया गया कि भाई टाइगर को आप लोकेट करें. मारना तो महाराजा को ही है लेकिन टाइगर को लोकेट तो करना है कम से कम. द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड. इट सीम्ड एज इफ इट हैड Want only hid himself in order to flout the Maharaja's will. अब उस टाइगर को ढूंढना बड़ा आसान काम नहीं था. ऐसा कभी कभी लगता था कि टाइगर ने जानबूझकर अपने आप को छुपा रखा है ताकि महाराजा की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी ना हो पाए. एंड महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड. महाराजा भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे भाई. ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड. एज द डेज पास्ट द महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेंसी माउंटेन अलार्मिंगली एंड मेनी ऑफ अस लूज देयर जॉब. अब महाराजा भी मानने वाले तो नहीं थे. उन्होंने ये प्रतिज्ञा की भाई इस जगह को और इस जंगल को छोड़कर तब के नहीं जाऊंगा जब तक कि वो टाइगर पकड़ा न जाए. धीरे धीरे दिन गुजरते रहे लेकिन महाराजा के जो पागलपन जिसको सनक कहते हैं गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था. और इस चक्कर में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कई लोगों को पनिशमेंट मिला. One day when his rage was at its height, Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. अब महाराजा जब सचरम सीमा पर पार हो गया और देखा कि भाई मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पा रहा, ये गांव वाले मेरी हेल्प नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और गुस्से में बोला कि ये जो गांव है इन गांव के लोग मेरा सपोर्ट तो करते नहीं है, तो इनका क्या कर्म करो, इनका टैक्स को डबल कर दो. आज के बाद ये पूरा डबल टैक्स पे करेंगे. द पीपल बिकेम डिसकंटेंटेड. लोग इस बात से बड़ा परेशान होंगे भाई. देन अवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब ये बात ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेफरेंस में क्यों कही गई है, तो उसको लगा कि अगर भाई ऐसा चलता रहा तो हमें लगता है कि जो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो बेसिकली अंग्रेज ही उनको चलाते थे, तो अब जानते हैं कि शायद 1869 में कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ था. एओ ह्यूम जो एक अंग्रेज थे उसके संस्थापक थे. इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग. कह रहा कि ऐसा करो भाई तुम एक काम करो तुम फिर अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दो अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते. द दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ महाराजा डिडंट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक. ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली वेन ही सॉ द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस. अब दीवान को लगा कि भाई ये महाराजा तो मानने वाला है नहीं और मेरी नौकरी भी खतरे में, तो टाइगर का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा नहीं तो रिजल्ट ये बहुत भयानक हो सकते हैं, तबाही मच जाएगी बहुत बड़ी. तो उसको लगा कि भाई मेरी जिंदगी तो अब ऐसा लगता है कि एक मुझे कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा. तो उन्होंने प्लान ये किया कि मद्रास उस समय मद्रास भी एक स्टेट हुआ करती थी, वहां पीपल्स पार्क में एक उन्होंने टाइगर को देखा था, तो उस टाइगर को उन्होंने अपने वहां से यहां अपने घर मंगा लिया, अपने घर में लाकर उसको छुपा कर रख दिया. एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड एज वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शोव्ड
इट इन टू द सीट द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर महाराजा वॉज हंटिंग। अब उस आप कहानी समझ रहे होंगे, उस दीवान ने किसी एक टाइगर को किसी दूसरे स्टेट से वहां से किसी नेशनल पार्क से उस टाइगर को मंगा लिया और अपने घर में छुपा लिया रात में। अगले दिन करीब मिड नाइट में जब पूरा शहर सो रहा था, दीवान और उसकी वाइफ ने दोनों ने टाइगर को, कमजोर सा टाइगर होगा बेचारा, खींच खांच के घसीट के अपने और धक्का देकर उसको गाड़ी के अंदर बैठा लिया और सीधे वहां उस जंगल में ले गए जहां महाराजा ने कैंप लगा रखा था कि भाई उनको और वो शिकार की तलाश कर रहे थे। व्हेन द रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। द दीवान वॉज थॉरली एक्सॉस्टेड इन हिज एफर्ट्स टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पोस्ट इट डाउन टू द ग्राउंड। अब वो जैसे गाड़ी में बैठ के चला तो गया, अब जब गाड़ी वहां जंगल में पहुंची तो जो टाइगर को उन्होंने निकालने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि टाइगर तो धरने पे बैठ गया, भाई वो बाहर निकलने को तैयार नहीं। दीवान साहब और उनकी वाइफ ने बड़ा कोशिश की भाई इसको खींच के पकड़ के निकालने की, लेकिन वो जंगली जानवर कार से निकलने के लिए तैयार नहीं था। कोशिश में वो बेचारे बुरी तरह पसीना बुरी तरह थक गए, लेकिन आखिरकार वो धक्का मार के वो कैसे भी उस टाइगर को उन्होंने कार से नीचे उतार लिया। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर On the following day, the same old tiger wandered into Maharaja's presence and stood as if in a humble supplication. अगले दिन जब महाराजा ने घूम रहे थे जंगल में तो वही टाइगर बूढ़ा सा बेचारा बिल्कुल महाराजा के सामने आकर एकदम से खड़ा हो गया। ऐसा लगता था जैसे कोई दरबारी राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो। मास्टर व्हाट डू यू रिकमेंड ऑफ मी। इट वॉज विद बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक अ केयरफुल एम एट द बीस्ट द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप। अब महाराजा ने जैसे उस टाइगर को देखा बड़ा ही खुश हो गया, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तुरंत अपनी बंदूक निकाली, उस टाइगर पे बंदूक को एम किया और सीधे गोली चला दी और टाइगर बिल्कुल एकदम से वो कमजोर सा था वैसे भी था और एकदम से वो वहीं पर जाके ढेर हो गया। I have killed the 100 tiger. My bow has been fulfilled. Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. अब महाराजा बहुत खुश कि भाई मैंने 100 टाइगर को मार दिया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपने लोगों को इस टाइगर को, डेड टाइगर को एक बहुत बड़े प्रोसेशन यानी कि जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए और मेरे इसको राजधानी में लेकर आई महल के पास, और ऐसा कहकर महाराजा अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. अब जैसे ही लोगों ने उस टाइगर को उठाने के डेड बॉडी को, अब जब उन्होंने टाइगर को देखा तो देखा कि टाइगर की आंखें खुली हैं, वो अपनी आंखें गोल गोल घुमा रहा है इन बैफलमेंट, बड़ा ही कंफ्यूजन में। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट शॉट, द बुलेट हैड मिस्ड इट। फनी बात वहां पर क्या हुई, राजा ने गोली तो चलाई और इतने एक्साइटेड हो गए जो टाइगर जमीन पर गिरा, राजा ने यह देखा भी नहीं कि भाई उसकी गोली लगी है कि नहीं लगी, कि वो मरा कि नहीं मरा, टाइगर को वहीं छोड़कर अपना उसको उनको ऑर्डर देकर वहां से निकल दिए। अब जब लोगों ने पास में जाके देखा, अरे यार तो जिंदा है, जो बुलेट राजा ने मारी थी गोली वो लगी नहीं बल्कि उसके पास से निकल गई, और ये जो टाइगर था उसकी बंदूक की जो गोली की आवाज थी उसके उसको शॉक से एकदम से फेंट हो गया, बेहोश हो गया डर की वजह से। द हंटर्स वॉन्डर्ड वॉट दे शुड डू, दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट एंड इफ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर, दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द मार्क। अब लोगों ने डिसाइड किया भाई करना क्या चाहिए, लोगों ने डिसाइड यह किया कि अगर राजा को इस बात की सच्चाई पता चल गई कि उनकी उन्होंने टाइगर को नहीं मारा तो भाई कई लोगों की नौकरी चली जाएगी, लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो एक किसी शिकारी ने वहीं से, उनके पास भी बंदूक होगी, तो उसने थोड़ी सी दूर से जाकर उस टाइगर पर निशाना चलाकर एक गोली मारी और टाइगर वहां पर मर गया फाइनली। लेकिन राजा को इस बारे में तो कुछ पता नहीं था, राजा तो चले गए भाई। एंड एज ही कमांडेड एज द कमांड Did by the king, the dead tiger was taken in procession through the town and buried. A tomb was erected over it. जैसा कि राजा का आदेश था, वो टाइगर को जुलूस के रूप में पूरे शहर में घुमाने के बाद उस टाउन में लाया गया, उसके बाद जमीन में दफना दिया गया और उसके ऊपर एक छोटा सा मकबरा बना दिया गया। कहानी हो गई खत्म, 100 टाइगर मारने का जो टारगेट था महाराजा ने पूरा कर लिया। अब कहानी वापस आती है कि भाई चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि 100 टाइगर ही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन महाराजा बड़े खुश, कुछ तो हुआ नहीं भाई। अ फ्यू डेज लेटर महाराजा सन थर्ड
थर्ड बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। अभी कहानी बहुत आगे चली गई है, महाराजा की शादी हो चुकी थी, फिर उनके संतान हुई, इसका तीसरा जन्मदिन आया भाई, उसको शहर में जन्मदिन मनाया जा रहा था, बड़ा ही सेलिब्रेशन का दिन था, बड़ा ही खुशी का माहौल था। अंटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। अब चूंकि राजा इतने सालों से अपनी एक टारगेट को फुलफिल करने में लगे हुए थे, तो इस वजह से जो किंगली अफेयर्स थे या राज्य से संबंधित काम थे उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे, अपने परिवार को ध्यान नहीं दे पाते थे, बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो गया था। अब चूंकि वो अपना टारगेट पूरा कर चुके थे तो अपना सारा ध्यान उनका अब परिवार की तरफ था। अब चूंकि उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन का दिन था तो राजा भी बहुत खुश थे, वो अपने बेटे को कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे उस दिन, तो वही अपने राज्य में गए, वहां शॉपिंग जो के लिए दुकानें हुआ करती थी, ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, फाइनली ही स्पॉटेड द वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड दैट इट वॉज अ परफेक्ट गिफ्ट। अब वो काफी सारी दुकानें ढूंढने के बाद एक दुकान पर पहुंचे, खिलौनों की दुकान थी, इसमें देखा कि लकड़ी का टाइगर उनको मिला, बोला यार ये तो बहुत अच्छा चीज है, यही मैं अपने बच्चे को गिफ्ट करता हूं। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, लेकिन जो वुडन लकड़ी का टाइगर था, साधारण सा टाइगर था, उसकी कीमत केवल 2 आना और 1 क्वार्टर, 2.25 आना उसकी कीमत थी। आप सोचेंगे 2.25 आना में क्या आता था, 2.25 आना तो बहुत छोटी सी चीज है, 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो आप सोच लीजिए कि 2.25 आना में कितना अमाउंट बनता है, लेकिन उस टाइम पर ये काफी ठीक ठाक से रकम हुआ करती थी, लेकिन महाराजा के लिए नहीं, महाराजा के पास तो बहुत पैसा था, वो ऑलरेडी 3 लाख रुपए खर्च कर चुके थे ज्वेलरी देने के चक्कर में। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ इमरजेंसी, सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, द बार्गेन एट 300 रुपीज। अब उसको लगा शॉपकीपर यार इतने बड़े राजा है शॉपिंग करने के लिए, अगर मैंने उसकी इसको सही कीमत बता दी कि यार केवल ये 2.25 आना का, तो भाई ऐसा ना मुझे जेल कर दें, राजा नाराज हो जाए, गुस्से में आ जाए, कह रहे यार ये कैसे तरह का मजाक है। तो कहता कि देखो उसकी खिलौने की बड़ा तारीफ करते, कहता ये सर देखिए बहुत ही रेयर पीस है, अब देखिए किस तरह की इसमें कलाकारी की गई है, किस तरह की इसमें जो क्राफ्टमैनशिप होती है वो की गई है, तो आपके लिए सर इसकी जो कीमत रहेगी वो 300 रुपीज। अब राजा चूंकि थे उन्होंने तो भाई बार्गेनिंग तो करते नहीं मोल भाव, उन्होंने वेरी गुड लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम ऑन दैट डे, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। बोला अरे अरे बहुत अच्छी बात है, काम करो उसको पैक कर दो, और ये तुम्हारी तरफ से इस छोटे से बच्चे के लिए, चूंकि वो राज्य का राजकुमार है, तो तुम्हारी तरफ से उसके लिए जन्मदिन का एक गिफ्ट हो गया, तो वहां से वो पैक करा लिया ले गए। और उस दिन ये राजा बेटा और राजा दोनों खिलौने लकड़ी के खिलौने से खेलते रहे, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं ये वुडन टाइगर है। अब हुआ क्या, कहानी बिल्कुल एंड की तरफ चल रही है। That toy, the tiger, was carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny silver wood of wood stood up like quills all over it. अब जो ये जो लकड़ी का खिलौना था, किसको कहते हैं कि किसी अनस्किल्ड बिल्कुल एक अनाड़ी से बढ़ी कोई कारपेंटर था, उसने ये बनाया था। वो कहता है उसके ऊपर लोहे के तार से उन्होंने जगह जगह पर कवरिंग भी कर रखी थी, ठीक है, उसके स्किन दिखाने के लिए, पूछ के बाल दिखाने के लिए, मूछे दिखाने के लिए, तो वो जो छोटे छोटे पतले पतले तार थे वो ऐसे नजर आते थे जैसे सही के बाल जैसे नुकीले हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, वैसे हो रहे थे। एंड वन ऑफ दो सिल्वर प्लेयर्स द महाराजा राइट हैंड ही पुल्ड इट आउट थ्रू हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले इन हिज, तो खेल खेल में वो क्या हुआ, वो जो नुकीली सी नोक थी, वो कील थी, वो राजा की उंगली में सीधे हाथ में लग गई। महाराजा ने उस पर कुछ खास ध्यान दिया नहीं, उसको कील को निकाला और अपने खिलौने से खेलने में वो अपना कंटिन्यू करके, उनको कुछ पता नहीं चला, खास दर्द नहीं होगा। द नेक्स्ट डे द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजा राइट हैंड, इन 4 डेज इट डेवलप्ड इन टू सपोरेटिंग सोर विद स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। अब 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं था, अगले दिन इन्फेक्शन थोड़ा सा महाराजा के जो हाथ था उसकी वजह से इन्फेक्शन फैल गया, टेटनस हो गया। 4 दिन में उसका हालत ऐसी होगी कि उन्होंने बहुत गंभीर घाव, पूरे हाथ में इन्फेक्शन उनके फैल गया, पूरे हाथ में मवाद और फोड़े से इकट्ठे हो गए, जैसा कि टेटनस में हो जाता है। 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding the consultation, they decided to operate. The operation took place. अब उनके लिए जान बचाने के लिए भाई 3 famous surgeons को मद्रास से बुलाया गया, प्लेन से आएंगे होंगे शायद। अब आके उन्होंने जब पूरी हालत देखी उनके राजा के, इंस्पेक्शन किया, तो आपस में मीटिंग की और ये डिसाइड किया कि भाई राजा की अगर जान बचानी तो हमको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा।
द थ्री सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल द महाराज इज डेड। अब तीनों सर्जन ने ऑपरेशन किया, जब वो बाहर निकल के आए और उन्होंने जनता को अनाउंस किया कि भाई ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा लेकिन महाराज की मृत्यु हो चुकी है। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस तरीके से जो 100वां टाइगर था वही राजा की मृत्यु का कारण बना। तो ये लाइन बाय लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई आपका कमेंट या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।